चैप्टर 75 अंधेरी रात। पुजारिनी नृत्य आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसकी प्रसन्नता चंद्रलेखा को ही नहीं सबको थी। मध्याह्न के पश्चात चंद्रलेखा प्रियवर्मा के पास गई और शतरंज का खेल खेलने लगी। चित्रलेखा दो बार जीत गई। कभी प्रियतम के आगे हारने में आनंद आता है तो कभी जीतने में। दोनों बार हारने के पश्चात प्रियवर्मा बोला, देवी आपके समक्ष मुझे हारना ही होगा। चित्रलेखा ने हंसते हुए कहा, स्त्री के समक्ष पुरुष सदा हारता रहा है। भोजन से निवृत्त होकर चित्रलेखा अपने गृह मंदिर में गई और भगवान बुद्ध के समक्ष अपनी भाव भरी वंदना रखी। भगवान के चरणों में अपने अंतर के भाव न्योछावर कर वह आचार्य धेनुदत्त के पास गई। आचार्य बोले, पुत्री मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। क्यों गुरुदेव? तुम्हें याद होगा मैं यहाँ मात्र एक वर्ष के लिए आता था और आज। चित्रलेखा बोली, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हुआ है ना? अरे मैं तो तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार करने का इच्छुक हूँ, किंतु बहुत समय बीत चुका है। राज्याभिषेक के पश्चात मुझे यहाँ से विदा कर देना, मेरा कार्य पूरा हो चुका है। नृत्य कला में तुम पारंगत हो गई हो, मैं भी वृद्ध हो गया हूँ। आचार्य देव मैं समझती हूँ कि आप यहाँ बहुत रुके हैं और आपने अपनी कला मुझे देने में कमी नहीं रखी, परंतु एक छोटी सी प्रार्थना है मेरी। पुत्री आयुष्य का क्या भरोसा, उत्तरावस्था का कर्तव्य कब पूरा कर पाऊंगा? आचार्य ने कहा, मैं जानती हूँ, परंतु आप यहाँ 2 मास और रुकें, यही प्रार्थना है। आचार्य हंस पड़े। उन्होंने कहा, फिर चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा और, परंतु वैशाख कृष्ण त्रयोदशी के दिन आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं आपको कैसे जाने दूंगी? आचार्य धेनुदत्त को लग्न तिथि का ज्ञात नहीं था। वे आश्चर्य से बोले, राग वैशाखी तो पूर्णिमा को आएगी। हाँ, किंतु मेरे जीवन की राग वैशाखी तो कृष्णा त्रयोदशी को है। पुत्री मैं समझा नहीं। चित्रलेखा शर्मा गई, धरती को खुरेदती हुई बोली, वह मेरी लग्न तिथि है, आचार्य विष्णुगुप्त ने यह निश्चित की है। ओ यह तो मुझे ज्ञात ही नहीं है, मैं जरूर रुकूंगा। पुत्री वह बड़भागी पुरुष कौन है? आचार्य ने कहा, आर्य प्रियवर्मा। आर्य प्रियवर्मा, सुपुरुष सुपुरुष, दोनों धन्य है। यह सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निश्चिंत रहो, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। आचार्य का वदन पूर्ण मुखरित हो गया था। फिर चित्रलेखा अपने श्रृंगार गृह में गई। वहाँ चित्रा ने आकर कहा, देवी आर्य प्रियवर्मा आपको याद कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ, वे अभी क्या कर रहे हैं? आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, चित्रा ने कहा। चित्रलेखा जाने के लिए उठी, इतने में ही एक परिचारिका ने आकर कहा, देवी मंत्री वेणुदत्त आए हैं अभी। चित्रलेखा को आश्चर्य हुआ। परिचारिका बोली, वे आर्य प्रियवर्मा से मिलने आए हैं। चित्रलेखा ने चित्रा की ओर देखकर कहा, तुम उनको प्रियवर्मा के पास ले जाओ, मैं वस्त्र परिवर्तन कर आ रही हूँ। चित्रा चली गई। अपर्णा को लेकर चित्रलेखा वस्त्र खंड में गई। एक घटिका के पश्चात वह ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। चित्रा और 2 अन्य परिचारिकाएं वहां खड़ी थी। चित्रलेखा ने प्रश्न किया, यहाँ क्यों खड़ी हो? मंत्री वेणुदत्त कुछ मंत्रणा करने आए हैं, वे एकांत चाहते थे, चित्रा बोली। यह सुनकर चित्रलेखा को आश्चर्य हुआ, एकांत मंत्रणा? चित्रलेखा के मन में कुतूहल जागा। वह धीरे धीरे बिना पदचाप किए ऊपर गई। प्रिय वर्मा के कक्ष का द्वार खुला था। द्वार पर मात्र एक पर्दा लटक रहा था। वह उस कौशेय के पर्दे को हटाकर अंदर प्रवेश करने ही वाली थी कि वेणुदत्त के शब्द उसकी कानों से टकराए। प्रिय वर्मा, ऐसा अवसर पुनः नहीं आएगा, तुम्हारे लिए यह उत्तम अवसर है और इससे सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं। ये शब्द कानों से टकराते ही चित्रलेखा वहीं की वहीं ठहर गई। प्रिय वर्मा बोला, जो होना था वह हो चुका है, मैं क्यों उपाधि मोल लूं? वेणुदत्त बोला, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पिताश्री का वध किया है
जिसने अत्यंत क्रूरता पूर्वक सम्राट के कुटुंब को मार डाला, जिसने युद्ध में छल कपट कर विजय प्राप्त की है, उस व्यक्ति का दासत्व क्या तुम स्वीकार करोगे? यह अंतिम अवसर है। तुम्हारी प्रतिशोध की भावना वैर तृप्ति होगी और सम्राट बनने का गौरव भी तुम्हें प्राप्त होगा। सम्राट बनने का गौरव? हाँ, सम्राट के वंशजों में सबसे अधिक निकट के तुम हो। मंत्री, दंडनायक और सेनानायक सभी तुमको ही हृदय से स्वीकार करेंगे। मगधेश्वर का पद गौरव तुम्हारी बाट देख रहा है। प्रियवर्मा मौन रहा, वह विचारों में उलझ गया। बाहर खड़ी चित्रलेखा भी आगे की बातें सुनने के लिए सांस रोक कर खड़ी रही। वेणुदत्त बोला, प्रियवर्मा, चित्रलेखा के प्रति तेरा कैसा प्रेम है? अपूर्व। वह एक सामान्य नर्तकी रहे, वह गौरवास्पद है। वह मगधेश्वरी बने, यह गौरव है। तुम्हारे प्रेम की शोभा किसमें है? वेणुदत्त ने नया ही प्रश्न खड़ा कर दिया। प्रियवर्मा विचार में पड़ गया। वेणुदत्त बोला, ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा। किसी को भी किसी प्रकार की कल्पना न हो सके ऐसे उपाय से चंद्रगुप्त मृत्यु धाम पहुंच जाएगा और मगध का साम्राज्य तुम्हारे चरणों में लुटेगा। परंतु इस कार्य के लिए प्रियवर्मा वाक्य पूरा नहीं कर सका। वेणुदत्त बोला, क्या? चित्रलेखा को कैसे समझाया जाए? चंद्रगुप्त को वह अपना धर्म भाई मानती है, प्रियवर्मा ने कहा। वेणुदत्त हंस पड़ा। हंसते हंसते वह बोला, प्रियवर्मा, तुम्हारे में वीरत्व है, कूटनीति नहीं। ऐसे कार्य में चित्रलेखा को समझाने की आवश्यकता ही नहीं होती। मधुपालक के कुंभ में विष भरा है, यह बात तुम और मैं ही जानेंगे। तीसरे की जानने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रियवर्मा बोला, मधुपान करने के बाद तत्काल ही चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाए तो चित्रलेखा ही गुनहगार ठहराएगी। वेणुदत्त बोला, मेरी योजना को तुम सामान्य मत समझना। मधुपान के समय केवल एक ही स्वर्ण पात्र पिलाना होता है। मधुकुंभ में तो 15-20 पात्र जितना मधुपानक होता है। एक ही पात्र का विष का जो अंश होगा वह चंद्रगुप्त को 4 दिन के बाद ही मारेगा। हाँ, यदि कुंभ का पूरा पानक कर लिया जाए तो तत्काल मृत्यु हो सकती है, परंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नियम मात्र एक ही पानक पीने का है। प्रियवर्मा गहरे विचारों में खो गया। बाहर खड़ी चित्रलेखा की धड़कनें बढ़ गई। वेणुदत्त ने प्रियवर्मा से पूछा, क्या सोच रहे हो? उपाय तो उत्तम है, सम्राट का पद, वैर की तृप्ति और मेरी प्रियतमा चंद्रलेखा को मगधेश्वरी का गौरव। परंतु चाणक्य बहुत चतुर है, कूटनीतिज्ञ है ना? प्रियवर्मा बोला, परंतु उसको भनक भी नहीं होगी। क्या आपने इस कार्य के लिए राजवैद्य को तैयार किया है? प्रियवर्मा ने कहा, यह बात किसी को बताने योग्य नहीं है और राजवैद्य ऐसे कार्य में सहयोग भी नहीं दे सकते। यह कार्य तो मेरे ही हाथों होगा। तृतीया के प्रातःकाल रत्नों का रिक्त कुंभ राजवैद्य के पास भेजा जाएगा। इस कुंभ में ही विष मिला हुआ रहेगा और तृतीया के दिन चित्रलेखा प्रातःकाल ही सुसज्जित रथ में बैठकर राजवैद्य के पास जाएगी। मंगल विधि संपन्न होने के पश्चात पानक से भरा हुआ कुंभ चित्रलेखा को सौंपा जाएगा और चित्रलेखा उस कुंभ को लेकर रथ में बैठ सीधे राजदरबार में जाएगी। वहां चित्रलेखा स्वयं कुंभ को स्थापित करेगी और तब राज्याभिषेक की विधि प्रारंभ होगी। चंद्रगुप्त को मुकुट धारण कराने के पश्चात चित्रलेखा मधुकुंभ से पानक का एक स्वर्ण पात्र भरकर चंद्रगुप्त को अर्पित करेगी। चंद्रगुप्त तत्काल उस पानक को पी लेंगे। विष का प्रारंभिक प्रभाव तो यह होगा कि इस पानक को पीते ही चंद्रगुप्त को यह अनुभव होगा कि नई चेतना का संचार हो रहा है और चौथे दिन चंद्रगुप्त की सारी चेतना ही लुप्त हो जाएगी। बहुत ही सुंदर और सुनियोजित योजना है। मैं भी राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित रहूंगा, प्रियवर्मा ने कहा। यह सारी बातचीत सुनकर चित्रलेखा के ज्ञान तंतु झंझना गए। वह मंद गति से पदचाप किए बिना चली गई। वेणुदत्त ने प्रियवर्मा से पूछा, यह सब होने के पश्चात महामंत्री पद किसको दिया जाएगा? मैं समझ गया, यह अधिकार तो आपका ही होगा।
अच्छा तो अब मैं व्यवस्था करता हूँ। आप याद रखें यह बात तीसरे कान तक ना पहुंचने पाए। शब्दों से, व्यवहार से अथवा भाव से भी इस योजना की गंध किसी को नहीं आनी चाहिए, अन्यथा सारा गुड़ गोबर हो जाएगा और चंद्रगुप्त की मृत्यु से पूर्व अपनी मृत्यु अवश्यंभावी होगी, वेणुदत्त ने कहा। यदि चित्रलेखा को तीन काल में भी ऐसा नहीं होगा, इसके मन में शंका भी नहीं होने पाएगी, प्रियवर्मा बोला। वेणुदत्त खड़ा हुआ, प्रियवर्मा को उसको विदा करने बाहर तक आया, देखा कि ऊपर के प्रांगण में कोई नहीं है, परिचारिकाएं नीचे थी। प्रियवर्मा वेणुदत्त को रथ में बिठा कर लौट आया। लौटते समय उसने देखा कि चित्रा नीचे के प्रांगण में खड़ी है। प्रियवर्मा बोला, देवी को बता कि वो मुझसे मिले। जी, कहकर चित्रा चित्रलेखा के कक्ष की ओर चल पड़ी। भविष्य की मधुर कल्पनाओं में निमग्न प्रियवर्मा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। परिचारिकाएं अभी भी नीचे बैठी थी। प्रियवर्मा ने सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहा, अब तुम सब सो जाओ, मेरा अब कोई काम नहीं है। प्रियवर्मा अपने खंड में चला गया। उसका मन नाच रहा था, अब कुछ ही दिनों के बाद मैं मगधेश्वर बनूंगा और देवी चित्रलेखा मगधेश्वरी बनेगी, वैर की तृप्ति होगी, किसी को भी कल्पना तक ना आए ऐसे कार्य सारा संपन्न होगा। विचारों के आवेश में ही वह पहने हुए वस्त्रों सहित शैया पर सो गया। कुछ समय पश्चात चित्रा ने आकर कहा, महाराज देवी चित्रलेखा श्रांत होकर सो गई हैं। अच्छा, चित्रा चली गई, उसको कुछ भी ज्ञात नहीं था। जब चित्रलेखा सारी बात सुनकर नीचे आ रही थी, तब चित्रा को उसके चेहरे पर गंभीर विषाद दिखाई पड़ा था, परंतु चित्रलेखा ने जाते जाते कहा था, चित्रा तुम यहीं रहना। और प्रियवर्मा के कहने से जब वह चित्रलेखा के शयन खंड में गई, तब चित्रलेखा अपने मूल वस्त्रों में शैया पर सो रही थी। चित्रा बोली, देवी, कोई उत्तर नहीं आया। दूसरी बार कहा, देवी, उत्तर नहीं मिला। तीसरी बार भी उसे उत्तर नहीं मिला। तब उसने प्रियवर्मा के पास आकर कहा कि देवी शांत होकर सो गई है। इस प्रकार उसने मनगढ़ंत बात कह दी थी। इस उत्तर से प्रियवर्मा को संतोष हुआ, क्योंकि वह सम्राट के पद से तदाकार हो रहा था। अपने पिता का प्रिय पुत्र, मित्र वेणुदत्त आज उसे अपूर्व संजीवनी अर्पित कर गया था। उस संजीवनी के प्रभाव से प्रियवर्मा की चित्त वृत्तियां अपूर्व आनंद से नाच रही थी। चित्रा नीचे आई, उसके मन में शंका हुई कि देवी सो नहीं रही है, किसी चिंता को भोग रही है। वह पुनः देवी के शयन कक्ष में गई, देवी को जगाया। चित्रलेखा बोली, चित्रा नींद में नहीं हूँ, तुम अभी जाओ, रात भर मुझे सोने दो, कोई नहीं जगाए। चित्रा चली गई।